यार वो मेरा पुराना टाइम था, मैं बता तो रहा हूँ। ध्रुव राठी ने इसके बारे में कहा है। अरे ध्रुव राठी को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ काफी अनरियल फीलिंग है मेरे लिए कि मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना आगे तक जाऊंगा एज अ वाइल्ड कार्ड। तो आज ट्रॉफी लेके आ गया वाइल्ड कार्ड, हिस्ट्री क्रिएट कर दी, तो बहुत दिल से ग्रेटफुल हूँ कि इतनी पब्लिक मुझे पसंद। काफी लोगों ने प्यार किया सोशल मीडिया से, जिस तरह का प्यार मिला, अभी 1 मिलियन से भी ज्यादा ट्वीट हो चुके हैं आपके लिए, इतना प्यार मिल रहा है लोगों की तरफ से। नॉट ओनली पर्टिकुलर स्टेट सिस्टम, बोलिए जरा भाई सिस्टम। यार तुम लोगों ने स्टार बना दिया मेरे को। नहीं भाई आप स्टार हो ही, मुझे अब फील हो रहा है कि कुछ तो बनाऊं मैं, जो ये कैमरे ना इतने सारे। अपनी मम्मी को मैं बहुत ज़्यादा मिस कर रहा था, अभी मैं मिला उनसे तो बहुत वैसी वाली फीलिंग आई कि अब मैं जल्दी से घर जाऊं, मम्मी के पास रहूं। आप हाँ, मेरी टीम में 3 बंदे हैं, तीनों मेरे से कम है एज में, उन्होंने काफ़ी मेहनत करी, 1 महीना लग के, वो मैंने देखी फ़ोन में चेक करके, तो बहुत थैंक यू उनको। अलग पैसे दूंगा उन्हें, 25 लाख जीता हूँ उसमें से पैसे दूंगा। मेरा ऐसा ही है, अपना मैं घबराता रहता हूँ, मैं ना वो तो हुआ था कि अरे क्या हो गया, बट हाँ अगर सही में मौका होता मेरे पे तो मैं देता। एल्विश एक पल के लिए आपने कहा था अगर मैं ट्रॉफी नहीं जीतता हूँ तो अभिषेक आप जीतना चाहिए, भाईचारा में आप काफी मानते थे, ये जो पल है जो आप दोनों थे वो पल कितना आपके लिए इम्पोर्टेंट था, कितना आपके दिल के करीब रहने वाला है वो पल, जब सलमान सर आपका नाम कभी ले रहे थे, कभी अभिषेक का नाम ले रहे थे, वो पल कितना इम्पोर्टेंट था एल्विश आपके लिए? मेरी धड़कन बहुत ज्यादा तेज हो रही थी, मैंने सलमान भाई का हाथ यहाँ भी लगाया कि बार चेक करो मेरा हार्ट फेल हो जाएगा, ये मत करो। तो बहुत जो वो वाला ऐसे होता ना उसमें धड़कन मेरी लिटरली बहुत तेज हो गई थी, बट कहीं ना कहीं मुझे अंदर से पता था कि कुछ तो थोड़ा और लाओ। जी अरे ये क्या बोल रहे हो तुम, यार वो मेरा पुराना टाइम था, मैं बता तो रहा हूँ। वो ध्रुव राठी को छोड़ो, मैं कह रहा हूँ ध्रुव राठी को छोड़ो, मैं रोस्ट करा मैंने एक टाइम पे, आई एग्री कि मैंने करा, बट जैसे आज मैं पहली बारी मिला उनसे, काफ़ी अनरियल, मतलब मुझे ऐसा कि ये कौन है, मतलब पास से पहली बारी मैंने देखा, मूवीज में ही देखा मैंने आज तक, तो बहुत अच्छी फीलिंग थी, और उन्होंने ऐसा डिसकम्फर्ट भी फील नहीं होने दिया, मतलब बहुत कम्फर्टेबली बात भी करी उन्होंने, चिल मारो ज़्यादा मत सोचो, और फिर हाथ पकड़ा उन्होंने, गले भी लगाया 2-3 बार, तो काफ़ी अच्छा था। एल्विश एक जो आपने बातें की जो जिया को लेके बातें हुई, जहां आपने कहा कि हमें पानी पिलाना धर्म है, उसमें काफ़ी रील्स बनी है, काफ़ी लोगों ने प्यार किया, काफ़ी लोगों ने सपोर्ट किया, वो बात को लेके वो बात को लेके क्या कुछ कहना चाहोगे? नहीं डेफिनेटली बहुत सही बात बोली थी मैंने कि हमारे में नहीं सब में, कि अगर कोई पानी पूछता है तो उसको पानी पिला देना चाहिए, या फिर अगर नहीं पिलाना तो मना कर दो, बट अगर पिला दो तो धर्म होता है। उसने बहुत गलत चीज़ करी, साबुन का पानी मेरे को पिलाया, तो वो काफ़ी हेल्थ इश्यूज भी हो सकते थे उससे, और बुरा भी लगा मुझे कि यार मैंने प्यार से मांगा था, मैंने गुस्से से भी नहीं मांगा, मैंने बोला कि एक बार पानी पकड़ा दो, तो उसने वो चीज़ करी तो मुझे काफ़ी बुरा लगा। एल्विश अगर आपको नहीं अभी मैंने कोई बात नहीं करी, बट मैं अभी करूँगा, चेक करूँगा कि ब्लॉक तो नहीं हूँ मैं। नहीं दोस्त है, उसको भी पता है मुझे भी पता। मैं आपका सवाल बहुत अच्छा है वाला, और ये लैंग्वेज भी मेरा स्लैंग है जो हम यूजुअली यूज़ करते हैं, ऐसा भी नहीं कि मेरा चेंज हो जाएगा, बट जो मैं मान लो बाहर गाली देता था वो कम हो जाएगी, बट स्लैंग वही रहेगा। जी अगर बिग बॉस में मौका मिला, बिग बॉस कलर्स के नो प्लानिंग,
जो मिलेगा वो ले लेंगे, अच्छा मिला दो। एल्विश कलर्स के अगर बिग बॉस में अगर आपको चांस मिलता है क्या होगा आपका जवाब, क्या आप जाना पसंद करोगे? इस बार वाले में नहीं, क्योंकि अभी बहुत टाइम में दूर रहा अपने घर से, अगली बारी कभी मौका मिलेगा तो फॉर श्योर। स्मृति रानी जी ने, अरे वाह यार, आलिया भट्ट, पहले आलिया भट्ट को वापस, आलिया भट्ट देख रही है तो आई लव यू। थैंक यू।